नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके से शुरू हो रहा है। ऐसे में बीजेपी यहां पे अपनी जमीन को लगातार मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ, तमाम ऐसे बड़े नेता जो हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घर घर जाके बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के नेता माने जाने वाले और RLD के मुखिया जयंत चौधरी भी ये वीर साफ कर चुके हैं कि वो कोई चवन्नी नहीं है जो वो पलट जाएंगे, यानी वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहेंगे। और इस समय उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति के सिक्के को मजबूत करने के लिए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी लगातार मेहनत कर रही है। ओवैसी भी एक के बाद एक करके प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं। उसको मुस्लिम वोटर को अपने पक्ष में लेने में ओवैसी कामयाब होंगे? इन जैसे तमाम सवालों में ओवैसी ने जवाब दिया है। ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो निर्णायक भूमिका में होगा। साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को एक ही सिक्के के दो पहलू तक बता दिया है। हम आपको बता दें कि लगातार ओवैसी भी एक के बाद एक करके प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी जितने सीटों पे अगर वो लड़ते हैं, मजबूती के साथ लड़ते हैं, तो उनकी पार्टी के प्रत्याशी पूरी तरीके से जीतेंगे। ओवैसी ने कहा है कि सपा ने मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया, बीजेपी किसी और समुदाय को के लोगों को टिकट नहीं देती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सपा में RSS के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया, और उसके पहले भी ओवैसी ने कहा था कि सपा एक वॉशिंग मशीन है जहां पे RSS का कार्यकर्ता जाके सेक्युलर हो जाता है। और ओवैसी ने यह भी दावा किया कि हमारा मुकाबला यूपी की हर पार्टी से है। बाबू सिंह कुशवाहा से गठबंधन क्यों किया, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। इस सवाल के जवाब में भी ओवैसी ने कहा कि किस पर केस नहीं चल रहा है, हर पार्टी के नेताओं पर आपराधिक मामले हैं, बीजेपी के मौजूदा विधायकों पर आपराधिक मामले हैं, मौजूद मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर से केस हटा लिया, मुजफ्फरनगर मामले से केस हटा लिया। तो तमाम ऐसे सवाल जब ओवैसी से पूछे गए तो ओवैसी ने बेबाकी से इस पूरे इंटरव्यू में अपना जवाब दिया है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को एक सिक्के के दो पहलू बता दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और सपा के पास वॉशिंग मशीन है। योगी कहते हैं आप सपा के एजेंट हैं, अखिलेश यादव कहते हैं आप बीजेपी के एजेंट हैं, आप कहाँ हैं? इस सवाल के जवाब में ये जब सवाल ओवैसी से कहा गया तो ओवैसी ने कहा कि हमारे नाम का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, लेकिन यूपी में ऐसी स्थिति क्यों है? प्रयागराज में लोगों के सिर फोड़ दिया, युवा बेरोजगार है, इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं होती? गंगा में लाशें बह रही है। तो योगी को घेरते हुए ओवैसी ने कई ऐसे सवाल उठाए हैं जो सत्ताधारी बीजेपी को घेरने वाले हैं। ओवैसी ने यह भी कहा है कि 10 मार्च को तस्वीरें साफ हो जाएंगी, कई ऐसे चेहरों से नकाब हट जाएंगे जो अब तक नकाब पोश हैं। हम आपको बता दें, ओवैसी ने यह भी कहा अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी जो सर्कस चल रहा है उसमें खुद समझ आएगा कि कितने लोग गुलाटी मारेंगे। उन्होंने CM योगी पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 51% युवा जो है वो पूरे तरीके से बेरोजगार है, योगी आदित्यनाथ का युवाओं को लेकर क्या प्लान है? तो लगातार जो है एक तरीके से इस समय ओवैसी जो है सामाजिक मुद्दों को उठाते हुए योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। तो अखिलेश यादव के साथ पर गठबंधन की जो बातें चली थी उसको भी उन्होंने सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन को लेकर के कोई बात ही नहीं चल रहा था। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को भी घेरा है। तो अब देखना ये होगा कि ओवैसी जिस तरीके से लगातार चुनौती दे रहे हैं, दम भर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं, तो आने वाले विधानसभा का जब चुनाव शुरू होगा तो ओवैसी के प्रत्याशी क्या कमाल दिखा पाते हैं।